एचजे न्यूज़ की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होगी जब समुद्र किनारे घूमते हुए लोगों को कीमती चीजें या खजाने मिल जाते थे, लेकिन आज की घटना तो सबसे अलग है। इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाती तो कई लोगों की मौत हो जाती। यूके के वेल्स में रहने केली ग्रेवल अपने पति और दो बच्चों के साथ बरी पोर्ट घूमने गई। केली समुद्र किनारे टहल रही थी, तभी उनके बच्चों की नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी। ये चीज सीपों से ढंकी हुई थी। उनमें से किसी ने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। चूंकि इसका आकार गोल था, इसलिए बच्चे उसे गेंद समझ उसके साथ खेलने लगे। केली भी अपने बच्चों की उस अजीब चीज के साथ फोटो भी ली थी। केले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो अपने बच्चों को खेलने दे रही है, जिसे बच्चे हाथ से पकड़ कर एंजॉय कर रहे थे, वो एक बम था जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। केली तो अपने परिवार के साथ वापस आ गई, लेकिन इस अजीब सी चीज की खौफनाक सच्चाई उन्हें कुछ दिनों बाद अखबार से पता चली। कुछ दिनों बाद अखबार में केली ने पढ़ा कि जिस बीच पर वो घूमने गई थी वहाँ से सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज होने वाला समुद्री बम मिला है। पहले तो उन्हें लगा कि ये बम उनके आने के बाद मिला होगा, लेकिन तसली के लिए केली ने अपने बच्चों की फोटो फिर से देखी। इसके बाद तो डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। दरअसल उसके बच्चे जिसे गेंद समझ खेल रहे थे वो वही बम था। सिर्फ उसके ऊपर जमा सीप की वजह से वो उसकी असलियत नहीं समझ पाए थे। केली ने बताया कि अपनी आंखों के सामने बच्चों को बम से खेलते देखने की बात पता चलना काफी डरावना था। फ्यूचर में वो अपने बच्चों को ऐसी किसी भी चीज से दूर ही रखेंगी।